अक्टूबर सन 1976 को कन्हर सिंचाई परियोजना का शिलान्यास करते हुए भारी जनसभा में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय नारायण दत्त तिवारी ने ग्राम पंचायत सुंदरी सहित 11 गांवों के 1045 परिवारों के सामने विकास का सपना दिखाते हुए यह प्रस्ताव रखा था कि यदि इन 11 गांवों के लोग अपनी जमीनें सरकार को देंगे तो प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, उनकी जमीनों का उचित मुआवजा के साथ ही साथ समस्त परिवारों को नहर के किनारे 5 एकड़ जमीन देकर बसाने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री के वादों से प्रभावित होकर हमारे समुदाय के अनपढ़ और भोले भाले पूर्वजों ने अपनी समस्त जमीनें कन्हर सिंचाई परियोजना के नाम कर दी और भविष्य के सुनहरे सपने बुनने लगे। सरकार ने 2000 रुपए प्रति बीघा के दर से जमीनों का अधिग्रहण करते हुए सबको नगद भुगतान किया। हमारे पूर्वज सरकार की राह देखते रहे कि मुख्यमंत्री के वादे के मुताबिक सरकार के लोग आएंगे और नहर के किनारे 5 एकड़ जमीन देकर हमें बसाएंगे। जो हमसे टकराएगा, चूर-चूर हो जाएगा। कन्हर बच्चा आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब नारायण दत्त तिवारी हमें बेहतर जीवन नहीं दे सके, नारायण दत्त तिवारी के जमाने में जमीन सस्ती थी, नारायण दत्त तिवारी के जमाने में नौकरी सस्ती थी, उस जमाने में मुझे नौकरी नहीं मिल सकी, मुझे जमीन नहीं मिल सकी, मुझे नहर के किनारे नहीं बसाया गया, तो आज जमीन की तो और महंगाई बढ़ गई है। लेकिन आप मुझे सरकारी नौकरी तो दीजिए हमारी योग्यता के अनुसार, लेकिन आज मुझे सरकारी भी नौकरी नहीं मिल रही है। यदि तत्कालीन मुख्यमंत्री अपने वादों के अनुसार बाकी के दोनों वादे भी पूरे कर देते तो ये हमारा समुदाय भी आज खुशहाली भरा जीवन व्यतीत कर रहा होता। इस परियोजना से उजड़ने वाले डैम बेस पर पड़ने वाले 2 गांव हैं, एक गांव सुगवामान है, एक गांव आपका कुदरी बरत घट्टी है। इन लोगों को आज तक कहीं बसाया नहीं गया। आज 38 साल से भिखारियों का जीवन गुजारने के लिए इन लोग लाचार और मजबूर हैं। आज तक सरकार इनका कोई पता तक नहीं। कन्हर बचाओ आंदोलन समिति बना हुआ है, चल रहा है, इसका विरोध कर रहा है। छलावा बाप दादा से लेकर के आज तक हम लोगों के साथ किया जा रहा है। अब हम लोग किसी छलावे में अब आने वाले नहीं और गांव छोड़ने वाले नहीं। जान देंगे लेकिन जमीन नहीं छोड़ेंगे, गांव नहीं छोड़ेंगे। गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। अभी पहली बार इतनी गहराई से इस आंदोलन के बारे में समझ बना है। आज आंदोलन से जुड़े हुए कुछ लोगों से बात करने का भी मौका मिला है यहाँ बनारस में, तो मैंने उनको वायदा किया है कि इस महीने के अंतिम तक मैं अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ पहुँचूँगा और आंदोलन को सुन के समझना एक बात है लेकिन देख के समझना एक दूसरी बात है, तो नज़दीक से देखना चाहूँगा। और मैं कोशिश भी करूँगा कि वहाँ के आंदोलन से कुछ लोगों को दिल्ली ले जाकर कई लोगों से मिला सकूँ। यदि हमारे समुदाय को जबरदस्ती विस्थापित किया गया तो हमारा समुदाय अपनी आजीविका का संपूर्ण साधन खो बैठेगा। सरकार की गलती से हमारे समुदाय के 11 गांव के 35,000 लोगों की जिंदगियां मौत के मुहाने पर खड़ी हैं। क्योंकि ये गलती सरकार की थी इसलिए हमारा समुदाय ये चाहता है कि सरकार कन्हर सिंचाई परियोजना को निरस्त कर अपनी गलती सुधारे, जिससे हमारे समुदाय के 35,000 लोगों की जिंदगियां बच सकें। हमारी आपसे अपील है कि आप भी हमारे संघर्ष में भागीदार बने ताकि ये परियोजना निरस्त कराई जा सके। बचाओ आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।